2018, क्योंकि यह मिशन भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य मिशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि UPTT का अगर हम देखा जाए कि UPTT का जो परीक्षा है वो आपके लगभग सितंबर अक्टूबर माह में होगी। आज हम पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण में ये चीज़ें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन सा पोर्शन आपको महत्वपूर्ण है, कौन कौन से पोर्शन आपको पढ़ने हैं, ये ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। तो इसलिए सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्यों पढ़ा जाता है, पर्यावरण क्या है। तो एक शब्द उठता है, आते हैं पर्यावरण। देखिए पर्यावरण, तो पर्यावरण को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसी बात को हम लेकर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो लिंक को शेयर भी करते रहिए ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचता रहे। पर्यावरण को हम अगर इसे दो रूप में देखें तो होता है परिधन आवरण। ये होता है परिधन आवरण। ये परिधन आवरण का मतलब क्या होता है? परि माने दूसरी तरफ, घेरा माने आवरण, माने अगर हम पृथ्वी की परिपेक्ष में देखें तो पर्यावरण एक ऐसा आवरण है जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पर्यावरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें यह पढ़ने से पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया, पर्यावरण कहाँ से आया, यह ग्रीक भाषा किन किन शब्दों से मिलकर बनता, वह सब आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। वही चीज़ें आएंगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लगातार अनुभव है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप UPTT की पर्यावरण हमारे साथ पढ़ेंगे तो SuperTT में आपको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आपने अगर अन्य किसी राज्यों का पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आते हैं पर्यावरण को अगर घटकों में देखा जाए, इसे दो प्रमुख घटकों में पहले बांट देते हैं। पहला जो होगा वो जैविक घटक होगा। पर्यावरण को दो प्रमुख भागों में डिवाइड करते हैं। एक होगा जैविक घटक, दूसरा होगा अजैविक घटक। ध्यान से देखेंगे तो 20 से 25 वीडियो में हम आपका पर्यावरण पूरी तरह से समेट के खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल समेट दूंगा। ठीक, तो यही हो जाएगा अजैविक घटक। अजैविक घटक तो खूब ध्यान से समझते चलेगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए ये हो गया जैविक घटक, ये हो गया अजैविक घटक। ठीक, दो घटक हो गए। अब देखते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है और दूसरा जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है। फिर इसी में एक छोटा सा क्लू एक मिल जाता है, इसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और इसी को अगर ये टर्म जिसको समझ में आ जाएगा उसको पूरा इन्वायरमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है इसी के अंतर्गत आता है, माने इसी में पूरा पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी देखना है कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोटी हैं। ठीक, और तो आगे बढ़ते हैं, UPTT की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई। अगर जैविक घटक की बात करें तो सबसे पहला जैविक घटक में क्या आता है आपका, बताइए आप लोग। पहला पॉइंट आता है पादप। क्या आता है? पादप। क्या आता है? पादप। पहला पार्ट क्या आता है आपका? पादप का आता है। पादप में भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए पादप को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पेड़। दूसरा हो जाएगा पौधे। दोनों में अंतर है, पेड़ अलग होते हैं पौधे अलग होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक साथ हम कह देते हैं। फिर पेड़ पौधों के बाद इसमें भी पेड़ पौधों में भी आएंगे, अभी आगे देखेंगे, इनमें भी अलग अलग निकलेंगी, इसमें इन सभी में। फिर घास पढ़ेंगे, फिर पर्यावरण में इनमें ही। ठीक, पेड़ पौधे पढ़ेंगे, पादप के अंदर पेड़ हो गया, पौधे हो गए, घास हो गए, फिर भूमध्य रेखा, फिर इसमें जंगल पढ़ेंगे, वन। ठीक, फिर क्या पढ़ेंगे? वन पढ़ेंगे, वन में भी पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय जंगल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जंगल, सदाबहार जंगल, इन सभी को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला पोर्शन जो आपका आएगा, सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें, वो आएगा जीव जंतु। खूब ध्यान से पढ़िएगा, साथ में लिखते हुए चलिएगा। ठीक, क्योंकि UPTT की बैच अगर शुरू नहीं करेंगे तो आपके लिए भी समस्या और हमारे लिए भी समस्या होती है, क्योंकि लगभग हर जगह शुरू हो जा रही है, हमारे यहाँ भी शुरू हो चुकी है। तो ये हो जाएगा आपका जीव जंतु। अब देखिए जीव जंतु के अंतर्गत भी दो चीजें आएंगी। ठीक, पहला तो होगा पालतू, दूसरा होगा जंगली। एक होगा पालतू दूसरा क्या होगा। अब फिर इसमें भी आएंगे पालतू जंगली के बाद फिर इसके टर्म्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे? शाकाहारी मांसाहारी सर्वा, माने प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। फिर इसमें से भी इन दोनों को मिलाकर एक और निकलेगा अपघटक।
जो इनको डिकम्पोज करने का काम करेगा, वह भी इसमें से एक टर्म और सामने निकल कर आएगा। तो ये हो जाएंगे जैविक घटक के दो रूप होते हैं, लेकिन अभी इसके देखेंगे इसमें कई मेजर पार्ट हैं। जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे इन सभी मेजर पार्टों को अलग अलग करते हुए पढ़ेंगे। मतलब एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि जैविक घटक किसे कहते हैं, तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या घटक जिसमें जीव होती है उसे हम जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। इसके प्रमुख दो रूप में होती है, पादप और जीव जंतु। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि जो जैविक घटक होते हैं, ऐसे घटक जिसमें जीव पाया जाता है, जीवन की संभावनाएं होती हैं, उन्हें जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटकों को ध्यान समझते हैं, पहले तो देखते हैं ऊर्जा। इसको देखिए थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं ताकि आपको बस इतना ये पता हो जाए कि जैविक घटक के अंतर्गत ये आते हैं जीव जंतु। अब घटक भी इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। ऊर्जा के अंतर्गत अगर देखेंगे तो सूर्य आता है केवल। UPTT में पूछा क्वेश्चन 2018 में, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? आपका सूर्य है। वो क्या है? पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? आपका सूरज है, सन है। ठीक, क्या है? सूरज है, सन। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए, सूर्य हो गया। फिर अजैविक घटक की बात करते हैं। अजैविक घटक अपने आप आपको समझ में आ गया होगा, माने ऐसे घटक जिसमें जीवन नहीं होते, जिसमें जीवन की संभावनाएं नहीं होती, वे सभी क्या है? अजैविक घटक। हमारा सेंटर जौनपुर में है, टीडी कॉलेज गेट के पास। ठीक, अजैविक घटक में देखेंगे सबसे पहला जो आता है, क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ठीक। अजैविक घटक में क्या आता है? पहला सूर्य का प्रकाश। अभी सबको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये एनवायरनमेंट का परिचय है। आज की क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, खासकर जो सीटेट वाले का जो थे वो भी अगर इसको देख लेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका सबसे बेसिक पॉइंट है। सूर्य का प्रकाश हो गया नंबर एक। दूसरा बात करते हैं हम सेकेंड पे, तो क्या जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, तो माने जल की बात करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट अगर देखें, जल हो गया, उसके बाद क्या आता है? मृदा, जिसे आप भूमि कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट अगर देखें, मेजर पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्रमुख पॉइंट को पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर अगला देखें तो क्या होगा? वायु। अब इसके भी मेजर पार्ट पढ़ेंगे भैया। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी पे जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य, मतलब पृथ्वी पे ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है आपका वो कौन सा है? सूर्य है। और किसी भी इन अजैविक घटकों को जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन। भोजन कहाँ से आएगा? पादप और पेड़ पौधों से आएगा। अब पादप के पास भोजन कहाँ से आएगा? क्योंकि पेड़ पौधे और पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे जो प्रमुख है वो सूर्य है, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। क्या है? वो सूर्य है। आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन ही पूछा था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट पहुंचता है? 8 मिनट, लगभग 20 सेकंड, कहीं 16 सेकंड दिया है। अगर पूरा पूछेगा तो पूछा जाता है कि लगभग 500 सेकंड में। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य हो गया। तो अब जो जैविक घटक हैं वो अजैविक घटक से क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से क्रिया करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से क्रिया करके हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं, हमें माने मानव जीवन को। कैसे उपलब्ध कराते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले देखेंगे क्या करते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए, हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या था? सूर्य था। तो अब पढ़ रहे थे, एक शब्द आया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सूर्य की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे, सूर्य की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा जमीन से, मृदा से खनिज लवण का अवशोषण या शोषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। माने हमने ये देखा कि पादप तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अपना भोजन किससे बनाते हैं? जो अजैविक घटक है, माने इससे क्रिया करके ये जैविक घटक अपना भोजन बनाते। मतलब एक कॉम्प्लेक्स अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मतलब अगर पादप क्या चाहिए, पहले H2O चाहिए, H2O माने पानी चाहिए। फिर पानी के बाद क्या चाहिए इनको? CO2 चाहिए, प्लस मृदा या मिट्टी चाहिए, वायु चाहिए या अन्य खनिज। अन्य खनिज, अगर इन्हें अन्य खनिज मिल जाए फिर ये क्या करते हैं? फिर ये हमें देते हैं, क्या देते हैं? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स में दे सकते हैं। देखिए क्या देते हैं, C6
यस 12 ओ 6 माने ये हमें भोजन माने ग्लूकोज किसी भी कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं किसी कॉम्प्लेक्स में दे C6 यस 12 ओ 6 या किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमें ये क्या कर सकते हैं भोजन के रूप में देंगे। लेकिन कब देंगे कब ध्यान सुनिएगा यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके कन्फर्म फंसेंगे। आगे बढ़ते हम लोग तो हमने क्या देखा कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है अजैविक घटक से जैविक घटक क्रिया करके हमें भोजन देते हैं जिसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है सूर्य के प्रकाश का होता है। तो ये हमें भोजन किसी भी कॉम्प्लेक्स में देते हैं जैसे जब हरे पेड़ पौधे इनको भोजन मिलेगा ये तैयार होंगे तो उनका भोजन कौन खाएगा शाकाहारी शाकाहारी से मांसाहारी फिर सर्व एक के ऊपर एक चलेंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे पास्कितन का पिरामिड बनाएंगे तो हाँ इस बात को और बेहतर तरीके से जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक अब आते हैं सूर्य का प्रकाश हो गया अब आते हैं जल। अगर हमें जल यहाँ पे देखा दिया तो जल पूरा पर्यावरण का अपना एक टॉपिक है। अगर जल की बात करें तो ये पर्यावरण का पूरा एक टॉपिक है पूरा का पूरा। अब क्या है जल क्या होता है अगर जल हम देखा जाए तो जलमंडल है पूरा जलमंडल के अंतर्गत हम जल का अध्ययन करेंगे। यहाँ तो जल केवल एक फॉर्म में पढ़ लिया कि अजैविक है इसमें जीव नहीं है इसलिए अजैविक तत्व के अंतर्गत या अजैविक घटक के अंतर्गत रखा गया है। वैसे अगर जल को पढ़ेंगे तो जलमंडल के अंदर आएगा हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। कहाँ करेंगे हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो आता है मृदा मृदा माने भूमि। अगर भूमि से बात करेंगे तो मृदा से क्या निकल के आएगा स्थल मंडल लिथोस्फीयर क्या निकल के आएगा लिथोस्फीयर आपका आएगा। फिर लिथोस्फीयर के बाद अगर वायुमंडल की बात करें तो जो वायुमंडल है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन तीनों को फिर हम पढ़ेंगे ये जलमंडल क्या है वायुमंडल क्या है स्थल मंडल क्या है। इन तीनों मंडल में जहाँ पे जीवधारी स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं उसे जीव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। उस बायोस्फीयर में ही ये सभी पाए जाते हैं। माने हमने ये देखा कि इसके घटक भी हैं और इस पे आश्रित भी हैं। अभी फिर हम देखेंगे यह इन पर आश्रित है माने ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर क्या है आश्रित हैं। ठीक इसीलिए इसे इकोलॉजी कहते हैं और इनके अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है वह इकोलॉजी सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है इनके जो अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ ले सकते हैं ताकि हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे और इस सारे टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे हम पूरी पर्यावरण इन्हीं के बीच खत्म कर देंगे। पूरी पर्यावरण का तात्पर्य क्या है देखिए सबसे पहला चीज पादप के अंतर्गत हर चीज़ पढ़ेंगे परपोषी स्वपोषी वृक्षों के प्रकार वन के प्रकार जीव जंतु में पूरे जीव जंतु पढ़ेंगे फिर इसमें जवाहर अच्छी क्षेत्र पढ़ेंगे फिर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आगे हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स हैं इसको देख लेते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश जल में जलमंडल पूरा पढ़ेंगे स्थल मंडल पढ़ेंगे वायुमंडल पढ़ेंगे। एक बार इन सभी को क्रम से पढ़ना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला जो प्रक्रम स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे अजैविक घटक से। फिर अजैविक घटक पढ़ने के बाद इनको संयुक्त रूप से एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे फिर हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। और हमारा टारगेट है इस बार यूपीटेट मिशन 2019 जो हम आपको 30 दिन की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद क्लासेज आपकी चलती रहेंगी और ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी सभी और सबके 3-3, 2-2 टीचर्स हम आपको पढ़ाएंगे ताकि कोई इस प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम जन्म लिया हो तो आप बेहतर पूछ सकते हैं ताकि हम तब आगे बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार समस्या हो तो पूछ लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको कोई समस्या हो तो पूछें। चलिए अब आगे इस टर्म को पढ़ते हैं हम लोग। ये टर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सभी को अलग अलग से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम देखें पर्यावरण को देखा जाए तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो 4 मेजर पार्टों में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जिम्मेदार है रुका हुआ होता है। उन 4 मेजर पार्ट को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और यह 4 मेजर पार्ट अगर आपको समझ में आ गए तो धीरे धीरे पर्यावरण का जो बना हुआ है कि हुआ कि पर्यावरण बहुत टफ है तो आपको लगेगा वास्तव में पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 30 में 28 लाना बेहद आसान होता है क्योंकि वास्तव में इसका जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक अब देखिए एक टॉपिक यहाँ उठाते हैं इसका एक गोला बनाते हैं खूब ध्यान समझिएगा इसको गोला ही ना समझिएगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज आपका पूरा पर्यावरण को क्लियर कर देने में सक्षम होगा। ठीक है ये 3 गोले हम बनाते हैं ये 3 प्रकार के मंडल बनाए हमने 3 प्रकार का मंडल बनाया इसको हम लिखते हैं स्थल मंडल क्या लिखते हैं स्थल मंडल लिथोस्फीयर ये क्या हो गया आपका स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। दूसरा हमने लिखा वायुमंडल लिख दे चलिए वायुमंडल हमने क्या लिख दिया वायुमंडल। फिर अगला जो हमने लिखा
जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इन सभी को फिर से बारीकी से अलग अलग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हो, देखिए उनके लिए हम नंबर लिख दे रहे हैं, आप लोग 6306344367 पर ऑनलाइन क्लास संबंधित आप जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या हमारा काम केवल है आपको पढ़ाना, इसलिए हम आपको पढ़ाने काम करेंगे। नंबर आप लिख लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएगा। अब पढ़ते हैं स्थल मंडल किसे कहते हैं, खूब ध्यान सुनिएगा। पृथ्वी पर उथला हुआ वह भूभाग, पृथ्वी पर जलमंडल से या जल से ऊपर उठा हुआ दृढ़ भूखंड को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल से चारों तरफ से उठा हुआ दृढ़ भूखंड को या विशाल दृढ़ भूखंड को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इस स्थल मंडल की पूरी पृथ्वी पे जो बिखराव है, जो फैलाव है, वो 29.2% हिस्सा है। माने 29.2% हिस्से पे क्या फैला हुआ है, आपका स्थल मंडल फैला हुआ है। इन स्थल मंडल में प्रमुख रूप से 7 महाद्वीप और लाखों द्वीप मालाएं हैं। उन 7 महाद्वीपों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक को उठा उठा के पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा उनके बारे में परिचय करते हुए चलते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये 7 ऐसे प्रमुख महाद्वीप है और लाखों द्वीप मालाएं हैं जिनसे मिलकर ये हमारा स्थल मंडल बना है। फिर इन स्थल मंडलों पर भी पढ़ेंगे, इन सभी महाद्वीपों के बारे में भी एक बार हम लोग बारीकी से पढ़ लेंगे। फिर पढ़ने के बाद इस प्रमुख, जैसे एशिया पढ़ेंगे, एशिया जैसे एक छोटा सा अगर वीडियो है इसमें बताई देते हैं, एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहला प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालनहार कहा जाता है, क्योंकि विश्व की जितनी सभ्यताओं का जन्म हुआ है वे सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता वो अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन कहीं ना कहीं संबंध एशिया महाद्वीप से हो जाता है, जब देखेंगे उस समय जुड़ा हुआ था। फिर चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसलिए जितनी ज़्यादा सभ्यता देखेंगे तो ज़्यादातर सभ्यताओं का जन्म हुआ है वो हमारे एशिया महाद्वीप में हुआ है, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालनहार कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में का सबसे बड़ा जो देश है वो रशिया है। एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी क्यांग है। जनसंख्या दृष्टिकोण, मतलब इस तरह से हम लोग एक एक महाद्वीप को भी अलग अलग आगे पढ़ेंगे, वो सभी स्थल मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उस स्थल मंडल के बाद हर महाद्वीप के सबसे प्रमुख पर्वत, सबसे प्रमुख पठार, वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ, वहाँ के प्रमुख अभ्रक, वहाँ के खनिज लवण, इन सबको भी पर्यावरण में ही हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यह स्थल मंडल का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक। अच्छा, एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दी, अब देख लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य पूर्व में निकलता है, तो पूर्व का देश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती है, उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था CTT में, यदि 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा, गुजरात में उसके ठीक 2 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 2 घंटे बाद होगा, अर्थात 7 बजे होगा, क्योंकि दोनों के बीच 30 देशांतर रेखा का लगभग फर्क है, एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट, इसलिए 120 देशांतर रेखा का 120 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, हमने पढ़ा स्थल मंडल, तो स्थल मंडल को हमने एक शॉर्टकट से आपको ये बता दिया कि स्थल मंडल में क्या क्या पढ़ना है। फिर इसी पे पढ़ेंगे अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे, इसी पे हम लोग भारत पढ़ेंगे, भारत के परिचय पढ़ेंगे, तो एक प्रकार से स्थल मंडल देखने में जितना छोटा लग रहा है वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट उतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो आप पूछें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग और जुड़े नहीं हैं, जो सोए हैं वो भी जग जाए, वो लोग भी जुड़ जाएं हमसे और आपके साथ पढ़ने के लिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल किसे कहते हैं, ये प्रश्न अगर हम आपसे पूछे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो कोई बताएगा वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल नाम तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग पर्यावरण पढ़ना शुरू करेंगे वास्तव में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अगर हम पढ़ना चाहें वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल क्या है बताएगा कोई, पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, वायुमंडल के संगठन की बात करें, तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण क्या होता है, गैसों का मिश्रण, उसके बाद धूल कण, फिर गैसेज, फिर जलवाष्प, इन 4 चीजों से मिलकर
अनुजीत बहुत सही जवाब है आपका। ठीक है, हमने क्या देखा कि चार प्रकार से तत्वों से मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक, जिसमें गैसेज हैं, तो हम लोग को पढ़ना होगा गैसेज क्या है। तो गैस में देखेंगे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.08%, फिर ऑक्सीजन पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे, अन्य सभी गैसों को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जलवाष्प क्या है, धूल कण क्या है, और इनका हमारे वायुमंडल में क्या योगदान है, वायुमंडल पृथ्वी पर कैसे रुका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है, फिर वायुमंडल में पढ़ेंगे वायु क्या है, हवाएं कैसे चलती हैं, कुछ प्रमुख हवाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी के चार प्रमुख मंडल हैं, जो सबसे पहला मंडल उसे कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल के ऊपर आते हैं आयन समताप मंडल है, समताप मंडल में एक पत्ती है किसकी, ओजोन लेयर की, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। इन सभी मंडल को भी क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, इन सभी मंडल की विशेषताओं को पढ़ेंगे, और इस हर मंडल से, क्षोभ मंडल से या किसी पाँचों में से हर एक मंडल से प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, फिर हर गैसों के बारे में पढ़ेंगे, सभी गैसों की क्या क्या, फिर इन गैसों से होने वाले प्रदूषण को पढ़ेंगे, कैसे ये मानव जीवन को ये प्रभावित कर रहे हैं, मानव जीवन इनसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इन सभी चक्र को हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। हाँ जी, सही जवाब अनुजी ने बताया, जो जो ऊंचाई पर जाते थे तो तापमान लगातार कम होता जाता है, लेकिन उसकी सीमित है, वो हम आगे बताएंगे कितने किलोमीटर तक है, उसके बाद वो नहीं होता। ठीक, हाँ अभी बताएंगे कहाँ तक होता है, क्षोभ मंडल में क्या खासियत, क्षोभ मंडल में जो जो ऊंचाई तक बढ़ते हैं उसके तापमान में ह्रास होता है, लेकिन 13 किलोमीटर तक, फिर औसतन इसकी जो 13 है अधिकतम 18 है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम है। ठीक, आगे बढ़े, तो ये वायुमंडल के बारे में था। तो वायुमंडल क्या, पृथ्वी के चारों तरफ पूरा तरफ फैला हुआ है। अगला जो टर्म पड़ता है वो जलमंडल का है। अगर जलमंडल को पढ़ेंगे तो यह पूरा, अगर पृथ्वी की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा 70.8%, ये अगर लगभग में पढ़ेंगे तो ये लगभग हो जाता है 29%, और ये लगभग कहलाता है 71%। कितना लगभग, वैसे सविंदर सिंह किताब में कितनी है, 70.08% पे क्या फैला हुआ है, जल फैला हुआ है। जलमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी का वह स्थान जो जलमग्न हो या जल से घिरा हुआ, जल से डूबा हुआ हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, इसे जलमंडल कहते हैं। ठीक, अब आते हैं जलमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की अधिकता होने के कारण यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और इसी जल के होने के कारण हमारे सभी सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में सबसे अनोखा ग्रह हमारा क्या होता है, पृथ्वी। क्यों, क्योंकि जल की अधिकता कारण यहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो हमारे सौरमंडल पे एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी की दो उपनाम मिल गए, इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है और जल के कारण यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, स्थल मंडल जलमंडल पढ़ने के बाद जब हमें सौरमंडल की बात आ गई तो हम एक वीडियो ले लेंगे, सौरमंडल भी पढ़ लेंगे। ठीक, फिर पढ़ेंगे सौरमंडल, पढ़ेंगे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, फिर पृथ्वी का झुकाव, अच्छी झुकाव कच्ची झुकाव, उसकी रोटेशन रेवोल्यूशन माने घूर्णन गति, फिर पढ़ेंगे पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा माने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा को पढ़ेंगे, फिर मौसम परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर चंद्रकलाएं पढ़ेंगे। ये सब भी आपके पर्यावरण में पढ़नी है, लेकिन हम बताएंगे किस क्रम में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, फिर जलमंडल में हमने पढ़ लिया, जलमंडल में देखेंगे इस बार UPTET 2018 में भी एक प्रश्न और था कि जो सबसे बड़ा वास्तुकी तंत्र जलमंडल में पाया जाता है, वो भी जलमंडल में कहाँ, हाँ? सबसे ज्यादा समुद्र में, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है, समुद्र में। आज भी अगर मनुष्य कितना भी अभी खोज भी कर रहा, लगातार आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ तो जैसे कि लोगों ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा जलमंडल, जलमंडल में अगर देखते हैं तो ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे भी कई टर्म मिल जाते हैं। पहला मिलता है महासागर, तो 5 महासागरों में बढ़ते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा महासागर है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर, फिर महासागर में पढ़ेंगे कुछ जलीय जीव महासागरी पढ़ेंगे। ठीक, उनके प्रभाव क्या है, वो मानव जीवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, उनसे पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, इनको भी पढ़ेंगे, और फिर समुद्र का चक्र क्या है, साइकिल क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये इतना टर्म, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ठीक
तो जल मंडल जो चीज़ है कि जल मंडल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थल मंडल में और वायुमंडल में पढ़ना है, खासकर आपके UPTT के लिए या अन्य किसी भी राज्य की अगर आप परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण हर परीक्षा में जरूरी है। चाहे कोई परीक्षा दे भारत की, वहाँ पर पर्यावरण के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए पर्यावरण के जो प्रश्न होते हैं उसकी कहीं ना कहीं जो रेशियो होता है वह ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपके लिए। ठीक, हाँ, अनुज जी ने बताया प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अंत महासागर अटलांटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुवी महासागर, उत्तरी ध्रुवी महासागर, सही। तो ये हो गए कॉन्सेप्ट क्लियर आपके। अब इसी में एक आता है जैवमंडल, इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। अगर हमसे यहाँ त्रिभुजाकार बना लें तो जैवमंडल, कोई बताएगा जैवमंडल या जीवमंडल क्या होता है? बताइए आप लोग, जीवमंडल क्या है? जहाँ तीनों मंडल होंगे वहाँ जैवमंडल या जीवमंडल होगा। आप लोग बताएं कि जीवमंडल किसे कहते हैं? चलिए एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं, उसका जवाब उम्मीद करते हैं आप देंगे। भारत में सबसे, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोग एक्टिव रहे ताकि। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम, और पढ़ते जैवमंडल किसे कहते हैं? वह मंडल जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके बारे में सुन लीजिएगा, पृथ्वी का वह स्थान जहां पर किसी भी जीवधारी को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, उस क्षेत्र को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया कि वह स्थान जहां भी किसी भी जीवधारी को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त होती, ऐसे स्थान को, ऐसे क्षेत्र को हम जैवमंडल या जीवमंडल कहते हैं। अब आते हैं, एक एक क्रम से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब हम देखते हैं स्थल मंडल का भी एक जीवमंडल होता है। अनुज कुशवाहा जी ने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने जैवमंडल को अच्छी तरह से परिभाषित किया, उन्होंने परिभाषा दी, आप लोग भी सुन लीजिएगा। जैवमंडल, जैवमंडल तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के तीन परिमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल आपस में मिलते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपस में मिलते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। आपने भी सही बताया, लेकिन हम भी बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। हर एक मंडल का अपना एक जैवमंडल होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा, हर एक मंडल का अपना एक जैवमंडल होता है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे स्थल मंडल का भी अपना एक जीवमंडल होता है, स्थल मंडल का भी अपना क्या होता है? जीवमंडल होता है। जैसे ये पूरा स्थल मंडल 29.2% हिस्सा, लगभग 29% हिस्सा क्या पूरे भूभाग पर मानव जीवन निवास करता है? ठीक, क्या पूरा स्थल मंडल जो है पे, क्या पूरे स्थल मंडल पे क्या जीव जंतु निवास करते हैं? पर्वत है, पठार है, ठीक, तो क्या सब जगह रेगिस्तान है? क्या सभी जगह जीव पाए जाते हैं? नहीं। अब अच्छा, मैंने एक बात कहा था कि स्थल मंडल पर वह स्थान जहां तक किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए बिना किसी कृत्रिम साधन संसाधनों के प्रकृत रूप से उसके जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त हो, ऐसे मंडल को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। माने पृथ्वी का वह क्षेत्र, सरफेस, जहां तक कोई जीवधारी बिना किसी कृत्रिम साधन के जीवित, जैसे चूहा कहां रहता है? तो बिल, माने बिल कहां बनेगा? स्थल मंडल। माने पृथ्वी की वह गहराई जहां तक मानव जीवन के साथ साथ कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीवधारी स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है, उस स्थान तक को, उस क्षेत्र तक को क्या कहेंगे? स्थल मंडल का जीवमंडल। अभी तक हम लोग जानते थे कि स्थल मंडल पर निवास करने वाले जैसे गधा, गधई, घोड़ा, घोड़ी, गाय, बैल, भैंस, ये सब क्या है? पृथ्वी पर विचरण करते थे, तो इन्हीं को हम कहते थे स्थल मंडल। लेकिन वह नहीं है, उसके साथ साथ वह भी है। सांप बिल में रहता है, तो बिल की वह गहराई जहां तक सांप बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए रह सकता है। मतलब भैया आप ये बताइए, क्या चूहा बिल में रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाता है? मतलब जहां तक किसी भी जीवधारी को जीवित रहने की अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, वह स्थान क्या होता है? स्थल मंडल का जीवमंडल कहलाएगा। माने वह सरफेस और वह गहराई, तो इसकी गहराई क्या? अधिकतम 400 मीटर, लिख लीजिएगा 400 मीटर। माने सरफेस से लेके 400 मीटर तक कुछ ऐसे जीवधारी, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्थल मंडल का क्या हो जाएगा? ये 400 मीटर से
400 मीटर अधिकतम। अरे कोई बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरियाज हैं जो यहाँ तक इससे अधिकतम गहराई तक जीवित नहीं रह पाते, तो इसे क्या कहेंगे, ये स्थल मंडल का जीव मंडल। मैंने एक लाइन में समझना यही है कि सभी जीवधारी जहाँ तक बिना किसी, अब मनीष कह दें तो भैया मास्क वगैरह लगा के वो 500 मीटर तक घुस जाए, लेकिन प्राकृतिक रूप से जहाँ से जीवित रहने के लिए संपूर्ण उपयुक्त दशाएं प्राप्त होते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका मान इतना क्षेत्र हो गया। अब आते हैं वायुमंडल, क्या वायुमंडल का भी अपना जीव मंडल होता है? जी हाँ होता है। कैसे होता है बताइए भैया। वायुमंडल के अधिकतम वह ऊंचाई जहां तक किसी भी जीवधारी को स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के लिए सभी उपयुक्त दशाएं प्राप्त होती है अनुकूल रूप से, उस स्थान को वायुमंडल का जीव मंडल कहते हैं। अब क्या पृथ्वी के एकदम ऊंचाई तक अंतरिक्ष तक कोई जीव पाया जाएगा? मने भी तो पाया जाता है, पहाड़ तक जाता है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है, लेकिन जो जो ऊंचाई पर जाता है जो तो सांस फूलने लगती है। माने जहां तक मानव को बिना किसी, मानव ही नहीं संपूर्ण जीव जंतु को जहां तक कृत्रिम रूप से संसाधनों के बिना जरूरत के वह जीवित रह सकता है, उस क्षेत्र को वायुमंडल का जैव मंडल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। माने पृथ्वी के धरातल से वहां तक की ऊंचाई जहां तक किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए संपूर्ण अनुकूल दशाएं प्राप्त हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का जीव मंडल कहेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कोई समस्या यहां तक? अब भैया कदम मने तो पहुंच जाता है चंद्रमा पे, तो चंद्रमा तक थोड़ी ना होगा, क्योंकि वहां के लिए मास्क लगा के जाता है ना, तो मैंने पहले कह दिया प्रकृति रूप से। ठीक जी, अनुज कुशवाहा जी सही जवाब है आपका। ठीक, तो वायुमंडल का भी ऐसा क्षेत्र होगा कुछ ऊंचाई तक, पूरी ऊंचाई तक थोड़ी रहते हैं जीवधारी, कुछ ऊंचाई तक होंगे, तो माना यहां तक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि जलमंडल का जीव मंडल क्या कहलाएगा, बताइए आप लोग। परिभाषा मैंने इतनी बार रट दिया कि आपको रट जाना चाहिए आते थे। जल की वह गहराई, वह स्थान जहां तक किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त हो, उसे जल मंडल का जैव मंडल कहेंगे। ठीक, खासकर इसे कहा जाता है कि वह गहराई जहां तक सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंच जाता है जल का, वहां तक जीवधारी जीवित रूप में होते हैं, उन्हें अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जल मंडल का। तो इसमें काफी गहराई तक जीव जंतु जीवित रहते हैं, इसके तली तक समुद्र के भी जीव जंतु जीवित रहते हैं। माने वह गहराई, वह अधिकतम गहराई जहां तक बिना किसी कृत्रिम साधन संसाधन के अपने आप को जीवित रखते हैं, माने उनके जीवित रहने की जहां तक अनुकूल दशाएं प्राप्त होती है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जल मंडल का। तो हमने यह देखा, अब अंतोगत्वा अपने आप परिभाषा निकल गया कि भैया जैव मंडल किसे कहते हैं, बताएं जीव मंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर किसी भी जीवधारी को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। ठीक, अब आते हैं यह क्षेत्र कहां कहां होगा, देख लीजिए अब एक डायग्राम बन गया। यह स्थल मंडल पर भी होगा, यह वायुमंडल में भी होगा, और यह, तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर जहां पे कोई भी जीव जंतु निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक, अब जैव मंडल अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आगे पढ़ेंगे। जैव मंडल क्या है, बायोम क्या है। ठीक, और एक लोगों ने पूछा है कि भी पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति अगर देखा जाए बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो क्या होगा, आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। ठीक, यहां तक कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक कोई अगर हो।
आगे बढ़े, यहां तक कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी को, अभी आप लोग खाद श्रृंखला पढ़ेंगे, खाद जाल पढ़ेंगे, वो सब बाकी देखिए नियम कानून अलग पढ़ेंगे, एक बार केवल केवल क्या करते हैं पूरी पर्यावरण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, लगभग आप लोग 40 मिनट से पढ़ रहे हैं तो और आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी के अंतर संबंधों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और खूब बारीकी से पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा अजैविक तत्व और जैविक तत्व के आपस के अंतर संबंधों को भी हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे किसी भी पेड़ के लिए क्या क्या जरूरत होती, कैसे कैसे हमको देते हैं। अगर आप कहें तो अभी हम थोड़ा सा बता दें या तो फिर कल बताएं, जैसा आप लोग कहें। इसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास लाइव चलेगी आपकी, क्योंकि बचा हुआ हिस्सा कई लोग कह रहे थे। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक, इसका जवाब उम्मीद करते हैं आप जरूर देंगे, क्योंकि हमने अभी इसको पढ़ा हुआ था। अच्छा हाँ, यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज जो आपको पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए। आप यूपीटीडी के लिए क्लास करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप से इलर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी विषयों के ऑनलाइन क्लासेस के, हर चाहे आप ईवीएस की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात, सभी के तीन तीन टीचर द्वारा पढ़ाए जाएंगे। एक तेज गति से पढ़ाएंगे, एक नॉर्मली पढ़ाएंगे, और सभी की संडे संडे को हम टेस्ट पोर्टल शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, एक साथ टेस्ट देंगे, और उसकी रिजल्ट जो है वो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। किसी दिन भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, हो सकता है आपकी तबियत ना खराब हो, कोचिंग नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। मैंने ऑनलाइन क्लासेज हैं अन्य कोचिंगों से बेहतर है, और सबसे चीप एंड बेस्ट, मतलब जितना पैसे आप अपने कोचिंग में जाकर किराया देंगे उससे कम पैसे में आप ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको जौनपुर जनपद में मोस्ट वेलकम है इलर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे, और अगर वहां नहीं कर सकते तो आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक, तो ये पर्यावरण की क्लासेस तो आपकी खत्म हो रही हैं, लेकिन इसके बाद पैरेलल चलती रहेंगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, उसे पढ़ेंगे भी, ताकि आपको ये पता रहे कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है उसके लिए हम बता दें 6306344367 पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और बता दें हम, कि सब कभी कभी होती है जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए सर्च करिएगा दुर्गेश सर, तो जैसे सर्च करेंगे आ जाएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको भेज देता हूँ, और साथ ही साथ आप फेसबुक पर यूजर हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगा, तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको स्टडी मटेरियल ही मिल पाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको हमारे उस पर मिल पाएगा, क्या नाम है आपके एप्लीकेशन पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल पाएगी। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग जगह मिल जाएगी, क्योंकि एक ही जगह सब कुछ नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि सबका जो पोर्टल अलग अलग बना है, कहीं लिंक भेजा जा सकता है, कहीं पीडीएफ नोट्स भेजे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए शुरुआत की है, और एक अच्छी बड़ी पहल है कि अगर हम लोग साथ मिलकर करेंगे तो यूपीटीटी बहुत बहुत पहाड़ सा नहीं है, क्योंकि अध्यापक बनना वास्तव में घुआ सा है। आज भी भारत में सबसे सरल नौकरी जो है अध्यापक बनना है, क्योंकि 1000 पोस्ट आती है, आपने देखा होगा एसएससी की वगैरह, तो पूरे 28-28 लाख फॉर्म पड़ते हैं, और आज भी अध्यापक बनने के लिए जो बीटीसी या बीएड होंगे वही आपके साथ समकक्ष खड़े हो पाएंगे, अन्य कोई नहीं हो पाएगा। और इनकी संख्या आपने देखा होगा, पिछली भर्ती 69,000 पद संख्या थी, और मुश्किल से 4,20,000 4,10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। आज भी सबसे आसान और सबसे सरल नौकरी आपके टीचर वैकेंसी है, इसलिए आप अपने जीवन का बेहतर देंगे। देखिए, लगातार कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ऐसी बात नहीं कंपटीशन नहीं बढ़ी, लेकिन आपको अपने आप को निखारने के लिए लगातार मेहनत करना होगा। इसलिए मैंने जो आपको पोर्टल बनवाया है अब, उसमें डिजाइन लगातार हो रहा है, जो अपनो ई लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन है वो लगातार डिजाइन हो रहा है। आपके कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो सारा जो पोर्टल है वो पोर्टल आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकर होगा, और इसलिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए शुरू किया है। ठीक, तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 4 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, उससे भी आप सॉल्व करते रहिएगा। ऑनलाइन क्लास तो आप अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते भैया, आपकी इच्छा है, लेकिन देखते हैं हम लोग, एक टर्म छोटा सा है। जैसे अगर कोई भी पेड़ पौधे होते हैं, हमने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा जैविक अपघटक, अजैविक अपघटक, फिर जैविक में जैवमंडल पढ़ने के लिए हमने तीनों मंडलों को पढ़ा। फिर अब उनके अंतर संबंधों को भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं, देख लेते हैं कि उनका एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें आपको अध्ययन करनी है, वो सारी चीज़ें अपने आप बाहर निकल करेंगे। जैसे पहले क्या होता है, किसी भी
पादप को सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O को मैंने जानते हैं, इसको दारू कहते हैं ना। क्या है? क्या है? जल। अच्छा, पानी। इसको दारू मत समझ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर CO2 है, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, चलिए ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अन्य खनिज तत्व मिनरल्स होते हैं। ये इतना पेड़ पौधे जब ले लेते हैं तो पता है हम लोग को क्या देते हैं? C6H12O6। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जरूरी नहीं इसी कॉम्प्लेक्स में दे, मतलब बना लिया कि इसी कॉम्प्लेक्स में भोजन देते हैं। माने जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इतना करने के बाद क्या देते हैं? हमें ये भोजन देते हैं। इसे हम एक ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, वो ये भोजन की बात करते हैं। हमें ऑक्सीजन तो देते हो, तो मैंने परस जब हमने पढ़ाया था प्रकाश ऐसे तो वहाँ तो बताया था, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें भोजन देते हैं। लेकिन इतनी चीज़ें उनको मिलेंगी तब, अब उसमें एक टर्म ये भी फंस जाता है कि कभी कभी कहीं ये ज़्यादा और कहीं ये ज़्यादा, कहीं ये ज़्यादा होता है। तो जब ये सब ज़्यादा होते क्या इन पर कोई प्रभाव पड़ता है? अब जहाँ पानी खूब ज़्यादा होगा वहाँ पेड़ कैसे होंगे, पादप? और जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ कैसे होंगे? भैया ये तो हो गया ना हाइड्रा, सिंघाड़ा, कमल। तो ये पानी वाले हो गए, इनकी खासियत पढ़ेंगे कल। CO2 जहाँ कम ज़्यादा हो गए, भैया पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, कहीं ये कम होंगे तो रेगिस्तानी, नागफनी, क्रैक्टस, बबूल, ठीक। फिर CO2 के बारे में देखें, फिर खनिज के बारे में देखें। मतलब कि ये इन्वायरमेंट में जिस हिसाब से मात्रा मिलती जाती है उस हिसाब से अपने आप को ये सर्वाइव भी करते हैं। तो फिर अंततः हमने ये देखा, ये इसके बाद पढ़ेंगे कि इनके अंतर संबंध क्या है, ये हमको क्या लेते हैं, क्या देते हैं, कैसे लेते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर तक देखा जी, लगातार कम से सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ है, और प्ले स्टोर से आप इलेनी विद दुर्गेश एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर लेंगे, क्योंकि आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। कि एक ही प्लेटफॉर्म सारी चीज़ें देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन डिजाइन हुए हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।